So this is the DC motor. Now we have just changed the split range into slip range and the source from DC to AC. So we have converted it into AC motor. कोई मसला है आगे यहाँ पर? बाकी सब लोगों में से any questions? No. Sir, एक question. Sir, ये जो wire जा रही है, sir, ये different levels पे क्यों है? मतलब कि एक से directly वहाँ जा रही है और दूसरी सर वो नहीं यार, वो बनाने में है ना, अब इतनी तस्वीर महारत तो मैं नहीं बना सकता हूँ। हाँ ठीक है, पिक्चर सिर्फ ऐसी बनी हुई है, आपकी बुक में बड़ी अच्छी सी दी हुई है डीसी मोटर, एसी मोटर की, तो वहां से देखो बस यहाँ पे स्लिप रेंज। ओके अच्छा जी, अब मैंने इसमें एक और गड़बड़ की, ये क्या बन गया? ये मैकेनिज्म क्या है? दिस इज व्हाट एसी मोटर जनरेटर। हाउ कम यू नो दैट इट्स एसी जनरेटर? पावर तो होनी है तो उसको कोई चीज ऑन करेगी तो फिर दिस पॉइंट विल इंडिकेट वेदर इट इज अ जनरेटर और अ मोटर। कंडक्टर भी होएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यहां से पता चलेगा। या यहां पे इधर विल हैव अ बल्ब हियर और एमीटर पावर सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज टर्निंग इनटू अ जनरेटर एसी। हमारे घरों में जितने जनरेटर्स हैं दे आर एसी जनरेटर्स। यहां से हम स्विच, ये वायर, ये आउटपुट है, यहाँ पे हम लगा देते हैं अपने सर्किट के अंदर और फिर हमारा घर सारा रोशन हो जाता है। ऑलराइट, आवाज सबको ठीक आ रही है? यस सर। जी सर। ऑलराइट चलो, अच्छी बात है, फिर माइक चलाना शुरू किया। जी सर, फ्यूज क्यों लगता है? फ्यूज क्यों लगता है सर? फ्यूज क्यों लगता है? फ्यूल क्यों लगता है बेटा? जो जो जनरेटर है उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तब होगी जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी या कॉइल स्टेशनरी होगी और मैग्नेट घूमेगा। ठीक है, अब घुमाने के लिए आपको कोई चीज लगानी पड़ती है। तो जनरेटर में आपने दो सेक्शंस होते हैं उसके, एक सेक्शन होता है घुमाने वाला जिसको हम कहते हैं इंजन, और एक होता है जो पावर जनरेट करता है पोर्शन। ठीक है, घुमाने वाले में जो इंजन लगा होता है वो या डीजल इंजन होता है जैसे गाड़ी है डीजल, या पेट्रोल इंजन होता है या गैस इंजन होता है। तो इंजन जो है वो घुमाता है, घुमाने के लिए हमें उसको सप्लाई देनी होगी, और ये जो घुमाने वाली एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन्स में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगी और वो जाके बल्ब को, पंखे को, सब चीजों को जलाएगा। ठीक है, सो फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ डीजल, पेट्रोल, गैस वो जनरेटर में यूज होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल बल्ब में जाके लाइट है। सो ये पूरी इसको तो रहना ही है। ठीक है, ओके समझ में आ रही है बेटा? और अच्छा जी आगे चलते हैं। तो डीसी मोटर के नीचे भी अगर आप ऐसा ही एक एमीटर या बल्ब लगा देंगे तो वो डीसी मोटर के बजाय डीसी जनरेटर बन जाएगा, राइट? सो दिस वाज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन जनरेटर्स एंड मोटर्स। फिनोमेना सेम है, रूल सेम है, लॉ सेम है। मैम अपना माइक अच्छा जी, अब होता क्या है कि इधर देखिए प्लीज, होता ही कि जब फिनोमेना भी सेम है, रूल भी सेम है, लॉ भी सेम है, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं मोटर्स के लिए और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है जनरेटर्स के लिए, इंडक्शन के लिए। ठीक है, फिंगर्स और थंब की वही रिप्रेजेंटेशन। ये अब आप लोगों की होशियारी है, इंटेलिजेंस है कि आपने इन चीजों को याद रखना है। यहां तक हमारा टॉपिक कल का टारगेट था जो आज हमने अचीव किया। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक इंडक्शन।
इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक और एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। उस दिन भी ट्रांसफार्मर्स बताए कि किस काम आते हैं, क्या इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। ओके, तो सॉफ्ट आयरन कोर, फीचर कोर, इसमें इधर से पावर सप्लाई, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, शाबाश। And this is secondary coil. Sir, अगर पेपर में वो डायग्राम ना या तो जैसे ट्रांसफार्मर का, तो सर हमें क्या ये दिखाना पड़ेगा कि वो जो है इंसुलेटेड है? नहीं, आपने सिर्फ इधर लिख रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर, यू कैन बी एरो बना के सॉफ्ट आयरन कोर, इसका नाम है कोर, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो पीछे प्लेट में ये एक बना देंगे काफी, इसका सिंपल ही यही है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बेटा। यहां पर कोई क्वेश्चन? चलो फिर एक क्वेश्चन करके देखो। एक सवाल है, मैं देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों को एज ए प्रैक्टिस करवाता हूं। मैं ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूं बेटा, ठीक है। सारे बच्चे जिनके पास मोबाइल्स हैं वो अपने ग्रुप में से देख लें, और जिनके पास नहीं है वो मेरे साथ मिलके इसको करने की कोशिश करें। मैं इसको इसी तरह से लेबल करने की कोशिश करता हूँ। 224 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज सेकेंडरी में, 240 वोल्ट्स and again 50 hertz, ठीक है जी। डायग्राम में ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है, why can't such a transformer be used for steady direct current? सर, क्योंकि ट्रांसफार्मर हैवी ड्यूटी होता है। ओके, अली का ख्याल है कि ट्रांसफार्मर हैवी ड्यूटी होता है, इसलिए वी कैन नॉट यूज such a transformer for steady direct current. इसमें से हमें आउटपुट कौन सा करंट मिलता है? एसी, ठीक है। इनपुट भी इसमें एसी होती है और आउटपुट भी एसी। वो पूछ रहे डीसी क्यों नहीं यूज कर सकते, तो अली कह रहा है कि ये बड़ा हैवी ड्यूटी होता है, इसलिए इसमें से हम डीसी नहीं मिल सकते। सर, डीसी की डायरेक्शन एक ही होती है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके गेट, इस प्राइमरी कॉइल के गेट बनेंगे, तो वो एक ही दफा चल के तो फिर बंद हो जाएगा एमीटर एक रीडिंग देके। ओके, तो हम कि यहां से डीसी मिलता क्यों नहीं है? आउटपुट भाई क्वेश्चन गौर से पढ़े, व्हाई कांट सच अ ट्रांसफार्मर बी यूज्ड फॉर स्टेडी डीसी करंट? एसी दिया हमने तो हमें एसी ही मिलेगा, डीसी हम देंगे तो डीसी देंगे तो डीसी मिलेंगे ही नहीं, हम कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ पे क्यों होनी चाहिए, कट होनी चाहिए, वो देख मतलब प्रोड्यूस हो जाएगी बस। तो इसलिए व्हेन वी आर यूजिंग अ डीसी करंट हियर, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्रिएटेड वंस, इट इज नॉट गोइंग टू कट द सेकेंडरी कॉइल, सो नो डीसी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, ईदर डीसी और एसी, no current will be produced after a fraction of a second, ठीक है। so इसलिए इसमें polarity change होनी चाहिए, या magnetic flux को इस secondary coil को cut करना चाहिए for a steady current. now second part, what is the purpose of soft iron core? to divert the magnetic field lines towards the secondary coil. ठीक है, जिनके आंसर्स आ गए ना किसी भी पार्ट के, वो नहीं दोबारा बोले, बाकी के लोग बोले जी। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर? सर, जो ट्रांसफार्मर होता है वो सॉफ्ट
जी आप बता सकते हैं कोई और बच्चा जी सर इसलिए थैंक यू वेरी मच ग्रेट सॉफ्ट आयरन की टेंडेंसी है जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं और डीमैग्नेटाइज होते ठीक है ना अब ये देख लो कि इसने 50 टाइम्स इन द सेकंड मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने डीमैग्नेटाइज होगा तो पोल्स चेंज होंगे ना वरना तो होंगे नहीं इसलिए हम इसको यूज करते हैं कि सॉफ्ट आयरन की टेंडेंसी है इट कैन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज क्विकली सी पार्ट Why is the core usually made of sheets of a magnetic material which has a high resistivity that are insulated from one another? Why is the core usually made up of many sheets of magnetic material? ये जो core है, ये मैंने एक sheet बनाई हुई है ना, इसी तरह से ये कह रहे हैं कि it is made up of many sheets. इस तरह से. Sir, बोला current flow easily through. इसमें से करंट पास हो रहा होता है कोर में से तो जवाब देने से पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो निकलना नहीं चाहिए जवाब बना के बताना चाहिए ऑलराइट तो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड फॉर व्हाट फॉर द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शाबाश So when we are increasing the number of sheets, actually that increases the strength of the magnetic field that many times. ठीक है? तो अच्छा अगर मैं इनको इंसुलेट ना करूं, अगर ऐसे ही इकट्ठी करके जोड़ दूं, फिर क्या है? फरहीम, you tell me, what if we combine the sheets of this core without laminating them? सर एक तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगी और दूसरा हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगी अच्छा ओके ग्रेट गुड तो ये सारी कंबाइन होके फिर एक ही बनेगी ठीक है वो जुड़ के एक मोटी सी कोर बन जाएगा उसका कोर वो एक ही शीट होएगा तो उनको मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए हमें उसको वेरियस पाथ्स प्रोवाइड करने जब हम सारे पास प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस पास होंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज ऑलराइट शाबाश गुड फरहीम आगे चलते हैं जी पार्ट डी इफ द प्राइमरी हैज 50 टर्न्स प्राइमरी 50 टर्न्स इसको किससे डिनोट करूं 50 को आई वी टी क्या लिखूं यहां पे 50 टर्न्स के सामने N1 कौन बच्चा बोल रही है अच्छा ओके गुड ऑलराइट इफ द प्राइमरी हैज 50 टर्न्स हाउ मेनी टर्न्स चलो जी N2 क्वेश्चन मार्क जल्दी से कैलकुलेट करें N2 निकालें ये तो आपने बताया मुझे जी एन टू आ गई 500 टर्न्स सबकी 500 आ रही यस गुड यस सर ग्रेट मरियम तमरी वेरी वेल डन ये बता दें जी कैसे फाइंड हुई है हाँ जी दसो जी हु विल टेल मी इफ्तिजा यू टेल अस सर आपने इफ्तिजा आज वो अब्दुल रहमान नजर नहीं आ रहा सर वो आ जाए नहीं जी आमना कैन यू हेल्प अस शाबाश वी आर प्रोवाइडेड विद वी वन वी टू एन वन एंड वी हैव टू फाइंड एन टू The relationship is V1 over V2 is equals to N1 over N2 या N2 over N1? N1 over N2. 1 over 2. Good.
गुड गुड तो इस फॉर्मूले में जब आपके पास थ्री वेरिएबल्स नोन है तो यू कैन फाइंड डिटरमिन द फोर्थ वन. ठीक है बेटा, इससे हमने फाइंड किया. शाबाश, गुड, एक्सीलेंट भाई एवरीवन. अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बता दो 500 से. ओके अच्छा मुझे ये बताओ रेशो क्या होगी फिर एन वन और एन टू की. एन वन रेशो एन टू क्या होगी? 1:10. ठीक है, और यही रेशो होगी पोटेंशियल की भी, V1:V2. ये सेम होगी. ठीक है ना, देख रहे हो आप 24:240. ओके शाबाश. नाउ नंबर ई पार्ट. If the primary current, लो जी मसला हो. primary current को किससे denote करूँ? I1. P1 से? Oh sorry. शाबाश आदि, I1 से. I1. Primary current is 24 amperes. 25 या 24? 25. Good. Now. What is the greatest possible value theoretically of the secondary current? I2 question mark. Quickly determine I2. Sir, 24 × 25/240. बेटा जी मुझे simplify करके बताओ. 2.5. 2.5. शाबाश रमन अब्दुल्ला. 2.5 amperes. देखो सबका ये आ रहा है. ठीक है, समझ आ रही है बेटा कि नहीं? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो. सब ओके है? खैर मैं आपको बच्चा ढूंढू. अरहम क्या फॉर्मूला यूज किया है जी? अरहम गायब है जी. अली जाज़ेम यू हेल्प अस, व्हाट फॉर्मूला यू हैव यूज्ड हियर? जी फॉर्मूला टू डिटरमिन आई टू. बताएं बेटा. सर V1 over V2 equals to I2 or I1. V1 over V2 is equals to I2. Sir, I2 over I1. I2 over I1. शाबाश.